2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे सामने आ रहा है, राजनेता भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। झारखंड के कड़े राजनेता पाला बदलते जल्द दिखेंगे। वहीं इस पाला बदलने के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हो रहा है। झारखंड कांग्रेस से एकमात्र सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भी जल्द पाला बदलने का बाजार गर्म है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में गीता कोड़ा पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष होते हुए भी संगठन के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई हैं। वहीं भाजपा के नेता भी शामिल होने वाले नेताओं के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे नेताओं का, जो लोकप्रिय हैं, समाज के बीच जिनका लगातार संपर्क है, जो काम करते हैं, वैसे लोगों का स्वागत हमेशा हुआ है। और ये पार्टी के उच्चस्थ पदाधिकारियों का विषय है, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो नेतागण हैं निर्णय लेते हैं किनको समाहित करना है, किनसे इस राज्य का दशा और दृष्टि को लाभ मिलेगा, यहाँ के लोगों को राहत मिलेगा, संगठन को लाभ मिलेगा, ये सब हमारे ऊपर के लोग इसकी चिंतन मंथन करते हैं। और परिवार जो है, पार्टी परिवार तो लगातार बढ़ता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वही कार्यकारी अध्यक्ष के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कांग्रेस दूसरों पर ही बाजार गर्म करने का आरोप लगा रही है। देखिए इनका क्या कहना है। निश्चित रूप से जो एक लोकसभा सांसद की व्यवस्था होती है तो उसमें तो व्यवस्था उनकी रहती है, और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव, व्यवस्था बढ़ी है, वैसे लगातार पार्टी की जो भी गतिविधियां होती है उसमें वो लगातार बनी रहती है और चर्चा होती नहीं है, चर्चा करवाई जाती है। उस निमित्त चर्चा हो रही है। अब लोग बयान देकर के जिनके आ जाने की चर्चा हो रही है वो लोग जब खुद से मना कर रहे हैं तो हम समझते हैं इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।